कल एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है यासिन मलिक को। हम आपको खास जानकारी देने जा रहे हैं कि सजा मिलने के बाद अब यासिन मलिक जेल की कोठरी में तो पहुंचा, लेकिन उसका क्या हाल रहा। यासिन मलिक अपनी बैरक में परेशान बैठा हुआ था। पिछले 1.5 साल से यासिन मलिक जेल नंबर 7 की इसी बैरक में है। सजा के ऐलान के बाद बैरक में पहुंचकर यासिन मलिक चुपचाप बैठा हुआ था, तो कुछ इस तरीके की स्थिति यासिन मलिक की थी। वो यासिन मलिक जो एक वक्त पे कश्मीर में अलगाववाद का चेहरा था, वो यासिन मलिक जिसके दामन पर रवि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या का आरोप है। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, यासिन मलिक को सजा मिली, सजा के बाद आखिर कैसे बीती रात, क्या कुछ रहा हाल? देखिए प्रणय, मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल की जेल नंबर 7 में यासिन मलिक पिछले 1.5 साल से उसी बैरक में है जिस बैरक में कल शाम को सजा पाने के बाद वो वापस पहुंचा था। हालांकि जो उसका पिछला रूटीन था, कल जब वो सजा पाने के बाद अपनी बैरक में पहुंचा तो जेल की ड्यूटी से ही उसका व्यवहार लगातार बदला हुआ था। अमूनन जब वो अपनी तारीख से वापस जाता था तो लोगों से हंसता बोलता हुआ, हाथ मिलाता हुआ जाता था, लेकिन कल जब वो पहुंचा तो वो चुपचाप अपनी बैरक में पहुंच गया। उसकी बैरक में सुरक्षा की दृष्टि से पहले भी कोई कैदी नहीं रखा गया था और कल भी कोई कैदी उसकी बैरक में नहीं रखा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि पूरा तिहाड़ जेल सीसीटीवी कैमरों की जद में है, लिहाजा जो महत्वपूर्ण कैदी हैं उन पर लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जाती है। कल शाम को जो जेल द्वारा उसे भोजन दिया गया, उसने वो भोजन कुछ अनमने तरीके से खाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसने किसी से कोई बात नहीं की। इसके बाद आज सुबह भी वो अपने समय पर उठा और उसने जेल प्रशासन द्वारा दिया गया जो नाश्ता था उसे उसने किया। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं प्रणय कि जेल नंबर 7 जो है अमूनन इसमें उस तरह के कैदी रखे जाते हैं जो पहली बार अपराध करके वहाँ पर आते हैं। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से आज यासिन मलिक को जेल नंबर 7 में पिछले 1.5 साल से रखा गया है और जेल प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि यासिन मलिक की कोठरी बदले जाने का यानी उसकी बैरक बदले जाने का फिलहाल अभी कोई इरादा जेल प्रशासन का नहीं है। अमूनन जिस शख्स को जेल में आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है उसे जेल नंबर 2, जेल नंबर 3 और जेल नंबर 4 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन जेल प्रशासन सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल यासिन मलिक की जो कोठरी है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन यासिन मलिक सजा मिलने के बाद परेशान जरूर है। बाबा, बाबा। पुड़िया सिटी जानी ना? कुड़िया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।